जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह उर्फ भगवान सिंह ने सोमवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सांसद और विधायक के समान जिला पंचायत सदस्यों को 5,000 और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 10,000 प्रतिमा मानदेय मिलना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कुल 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर पिछले दिनों संघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें उनकी मांगों पर सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश के जिला पंचायतें वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही हैं, खासकर विकास कार्यों के मामले में। पहले जिला पंचायतें विकास कार्य के काम को लगभग 4-5 योजनाओं के माध्यम से करती थी। मसलन पहले राज्य वित्त योजना जिला पंचायत में चलती थी, इसके अलावा 13वां वित्त योजना, BRGF योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, मनरेगा योजना, 5-5 योजनाओं से विकास कार्य करने के बाद भी विकास कार्य क्षेत्रों में हो नहीं पाते थे। हालत ये था कि जिला पंचायत दोबारा जनता का विश्वास लेने में नाकाम रहते थे। मुश्किल से 10% जिला पंचायत सदस्य भी 5-5 योजनाओं के द्वारा विकास करने के बाद भी वापस नहीं आ पाते थे। वर्तमान में हालत यह है कि मात्र एक राज्य वित्त योजना के भरोसे जिला पंचायत चल रही है, और उस राज्य वित्त योजना में भी 50% पैसा सरकार राज्य जिला पंचायत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सड़क मरम्मत आदि के नाम पर निकाल लेती है। मात्र राज्य वित्त योजना में 50% के पैसे से विकास कार्य हो रहा है। इस संबंध में हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लखनऊ में जाकर के उनसे हम लोगों ने इन सारी बातों को अवगत कराया। साथ ही हम लोगों ने यह भी मांग किया कि जैसे ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण को भी वेतन और मानदेय दिया जाता है। 3 से 3.5 लाख की जनता पे माननीय विधायकगणों का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भी 50,000 की आबादी पे होता है। उस रेशियो में कम से कम जिला पंचायत सदस्यों को भी 50,000 मासिक मानदेय मिलना चाहिए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी 10,000 मासिक मानदेय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया है कि जिला पंचायत सदस्यों को भी उनके क्षेत्र के गरीब मजदूर, तमाम जो बीमार लोग हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए तक का जिला पंचायत से भी उनको मदद, उनकी बीमारी के लिए उनको मदद करने की व्यवस्था किया जाए। इस बात के समय हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर हम आपकी मांगों पर भी विचार करेंगे।